हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू यस डेली व्लॉग्स। और जैसा कि आज यार अनदर वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम आए हैं सीता विश्वासन में, जहाँ की मैं रहता हूँ। और यहाँ पे ना ऑटो क्रू कस्टम है भाई, मतलब जहाँ पे कार वॉशिंग और डिटेलिंग वगैरह सारी गाड़ी की PPF वगैरह सब कुछ होती है, वहाँ पे आए हैं। और आज गाड़ी काम करने वाले ब्रेजर गाड़ी का मॉडिफिकेशन, जो बढ़िया इतनी बाइक गाड़ी एक नंबर का रखी है, ब्रेजर एंड रखी है, जो कि मेरा दोस्त है सचिन राणा भाई, मतलब अनबिलीवेबल गाड़ी है भाई। मतलब गाड़ी का ना मतलब सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और गाड़ी इतनी मस्त कर रखी है ना भाई इसने। अभी इस गाड़ी का ब्लॉग भी करूँगा, गाड़ी जा रखी है अंदर वॉश करने के लिए, उसके बाद गाड़ी पे वैक्सिंग होगी। और गाड़ी बिल्कुल कि नहीं की नहीं भाई, गाड़ी पे ना बहुत काम करा रखा भाई ने। मतलब मैंने इसको बोला था 3-4 दिन पहले, भाई ने कहा यार रुक जा भी, गाड़ी वॉश करानी वगैरह करानी है। तो मैंने कहा चल मैं इतने एक वीडियो कवर कर लेता हूँ। स्टे ट्यून, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इतने वीडियो को। मिलते हैं जल्दी वीडियो पे। तो भाई अभी आ गया भाई, ये गाड़ी सामने खड़ी है ब्रेजा भाई, पूरी फॉर्मिंग हो रही है गाड़ी पे बढ़िया शैम्पू के साथ। और अभी चलते हैं अंदर भाई के, मतलब यार अलग ही सीन बना रखा है अभी गुस्से अंदर। यार देख ही लो भाई, मतलब अंदर आते ना अलग ही सीन है। और ये भाई हैं यहाँ पे जो कि काम करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? संजू नाम है भाई, ये प्रोफेशनल बंदा है, बढ़िया काम करता है। जो भी काम कराना भाई के यहाँ पे आओ, विश्वासन में लोकेटेड, नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये भाई का ऑफिस है सारा, मतलब वेल मेंटेन है पूरा, बढ़िया सारी क्रीमें हैं यहाँ पे। तो भाई मुझको यार ये बताओ कि यहाँ पे क्या काम होता है बढ़िया, मतलब क्या क्या प्रोवाइडेड है, क्या क्या प्रोवाइडेड नहीं है? अपने पास सोर्सिंग होती है, ड्रैगलिंग होती है, रबिंग होती है, और सोर्सिंग होती है, रबिंग होती है, और ड्रैगलिंग होती है, और ये सर्विंग कोटिंग होती है सर, ये नैनो और सर्विंग दोनों बोलते हैं इसको। ये कोपिडो परफेक्ट है, इटली का ब्रांड है भाई, विजिट करो यहाँ पे, विश्वास में पड़ता है। माफ्रा का सर, माफ्रा का मतलब नाम चलता है माफ्रा का भी सर, रूपर्स का, माफ्रा का है, अपने पास मैकबार भी है सर, हमारे पास रूपर्स भी है कंपाउंडिंग में, मैकबार के भी हम यूज करते हैं और माफ्रा के भी यूज करते हैं। ये तीनों एक टॉप ब्रांड है, इसको कहते हैं टॉप ब्रांड है। हमारे पास ग्लास की भी कोटिंग है, और क्या कहते हैं इसके सोल कंपाउंड है अपने, क्या कहते हैं इसको माफ्रा के भी है अपने पास, 1 step 2 step 3 step। तो ऑल ओवर सब कुछ है, मतलब किसी की कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब सर, यार मेरे कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगी अपने पास रेट में, तो सर हमारे जो हम काम करके देते ना, मेरी गारंटी है सर, कोई दिल्ली में कहीं भी घूम लेना, मेरे जैसे कोई काम करके दे देगा ना। मतलब एक चीज है यार, अगर मेरे सब्सक्राइबर आएंगे यहाँ पे तो मतलब उनको ऑफ मिलेगा मेरे नाम से आएंगे, तो आपके नाम से आएंगे सर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट भाई देख ही रहो कहाँ मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो भाई यार मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब स्क्वायर एरिया देख रहे हो, मतलब पूरे में ना अभी न्यूली खुला है। और आप क्वालिटी देख लो कितनी है भाई, पूरी परफेक्शन देता है काम की, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अपने घिसा बेटा काम कर दिया, नहीं सब चीज़ नहीं है यहाँ पे, और बढ़िया चीज़ है। और ऑफिस तो मुझे सबसे प्यारा ऑफिस लगा, जब काम होता है ना आपको पता चलेगा, जब आपका काम हो गया उसके बाद आप पे ना रेड कारपेट, जो नई गाड़ी निकलवाते हो और गाड़ी को जब मतलब पूरी बढ़िया, कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, मतलब काम जो मिलता है ना चीज़ तो सारी बढ़िया चीज़ें हैं, A1 क्वालिटी है। क्योंकि यार देख क्वालिटी खराब हुई ना तो सब कोई फायदा नहीं है, चीज़ बढ़िया मिल रही है, रेट चाहे कितना भी हो, चाहे 20,000 भी हो ना, पर काम जो बढ़िया मिलना चाहिए उस चीज़ पे ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि पुराना चीज़ काम करके दे दिया, गंदा काम करके दिया, उसको कोई फायदा नहीं, दूसरे दिन आके फिर खुद गाली दोगे। तो इसका क्या होता है, मतलब PPF वगैरह सब कुछ होता है सर अपने पास, वॉशिंग से लेके डिटेलिंग का पूरा एंड तक होता है अपना, वॉशिंग होता है, रेगलिंग होता है, और रबिंग पॉलिश होता है, टेफन कोटिंग होता है, सर्विंग कोटिंग होता है, अपना PPF होता है, और गाड़ी रैपिंग होती है, सब चीज होती है, स्टेनलेस कोटिंग होती है, सारी चीज होती है, मतलब गाड़ी पे पूरी ग्लोस आ जाती है। तो पुरानी गाड़ी हम मतलब आपको लेबर आफ्टर अपने पास अपनी गाड़ियां दिखाऊंगा, अपनी लेबर आफ्टर की जमीन और आसमान का अंतर रहता है सर, अपने पास काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो भाई इसी के साथ अभी चलते वीडियो में आगे, भाई की गाड़ी वॉश हो चुकी है और अभी जल्दी से जाओ, 2 मिनट का नहीं मुश्किल से कुछ सेकंड का आपका सिनेमेटिक शॉट है, जल्दी से विजिट करो बढ़िया देखो। तो भाई अभी आ गए हैं, रात हो गई, गाड़ी को ना यार पूरी रबिंग पॉलिश पूरी करा दी गाड़ी, इतनी भी नहीं मतलब हाँ भाई थोड़ी बहुत करा दी कि हाँ थोड़ी साफ लगे गाड़ी, क्योंकि ना भाई ने पूरी गंदी कर रखी थी गाड़ी, सही बताऊं तो मतलब गाड़ी है बढ़िया पर कर रखी थी बढ़िया गाड़ी, ठीक है। तो अभी आ गया अंदर, पर बाहर हो गया रात, तो मैंने सोचा टाइम लगेगा, मूड है पूरा वीडियो बनाने का तो बना के जाऊंगा, तो मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करवा दी। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, भाई ने ना अभी इस पर ना रबिंग करी है, फर्क दिखा देता हूँ क्या फ़र्क है रबिंग कराने में। भाई ये देख लो गाड़ी पहले ऐसी थी पेंट में, और देख लो कैसी हो गई, मतलब यार पूरा अंदर से ना पूरी शाइनिंग आ गई गाड़ी की बाहर, और फर्क क्या मतलब कुछ
ज्यादा ही फर्क आ गया गाड़ी में। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आना यहाँ पे। और भाई मैं बताऊँ, 5 स्टार पूरी फैसिलिटी मिलती है बढ़िया वाली। भाई अभी गाड़ी अंदर खड़ी करती है तो भाई हमें प्रोवाइड करती है ब्रेजा, जो है 2018 मॉडल है ब्रेजा का, जो कि हमें ना की प्रोवाइड करती है। इसमें तो भाई देखो छवाना है सुजुकी का, तो वैसे नॉर्मल की होती है मेरे ख्याल से, तो मानी फिर काम का मेरे को बढ़ेगा। तो भाई अभी ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें गाड़ी अनलॉक अनलॉक होते हैं। ये रहा अपना भाई सचिन, हेलो बोल दे भाई। तो भाई ये गाड़ी ये रही, और भाई क्या बताऊं, अभी मैंने ना आगे आगे से दिख रही है, अभी साइड से दिखाऊंगा ना भाई। करते हैं वीडियो को सबसे पहले फ्रंट से, फिर पहले दिखाऊंगा मैं एक्सटीरियर, फिर दिखाएंगे इंटीरियर। तो चलते हैं पहले गाड़ी को करते हैं लॉक अनलॉक। तो इसमें गाड़ी में तो अपना नॉर्मल ये दिखाते ही है, लॉक हो गया है अपने अनलॉक। जैसे पिछले वीडियो में देखा ना i20 में इतना मतलब मिरर खुल जाता है साइड मिरर, तो इसमें नहीं खुलते हैं। तो भाई आपका ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, मतलब क्या कॉस्ट पड़ी इसको, क्या राउंड मतलब कितना आपको पड़ा ये ऑन रोड पे, और एक्स शोरूम प्राइस भी क्या था इसका? भाई ये टॉप से एक नीचे है। और क्या प्राइस थी इसकी? भाई इसकी फी 10-11 लाख। 10-11 लाख थी, मतलब अननोन बंदा जाए ऐसा नहीं है कि मतलब, मतलब इसमें कोई वो तो नहीं है डिसएडवांटेज नहीं है गाड़ी को हम ले, क्योंकि सेडान एक तरह से ये एसयूवी में आती है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है। तो मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी, तो यार मुझे पर्सनली बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो ये गाड़ी मुझे तो सही लगती है एक हिसाब से, क्योंकि इसको हम कहीं टूर पे भी लेके जाएं तो ये सही है। पर इसमें 4x4 नहीं है, वो डिसएडवांटेज है, पर ऐसा नहीं है भाई की डीजल में है गाड़ी, तो थोड़ा टॉर्क आता है गाड़ी में, तो ज्यादा आप आइस में ले जाओगे तो ज्यादा दिक्कत आती है। तो भाई मुझे बताओ कि आपको क्या दिक्कत आई अभी तक इस गाड़ी को लेने के बाद? भाई दिक्कत तो कुछ नहीं है। और क्या फायदा हुआ? गाड़ी अच्छी है। क्या फायदा है इसमें आपको, मतलब लेने के बाद क्या, मतलब आपको अंदर से क्या पसंद आया इस गाड़ी के अंदर, हाँ मुझे ये गाड़ी लेनी है? भाई लुक वाइज भी अच्छी है गाड़ी, और चलने भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। एवरेज वगैरह क्या है भाई इसका, एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कितनी देती है? लोकल में निकाल देती है 12 की निकालती है। हाइवे पे? हाईवे पे वही 15 निकाल दी। जैसे कि मैंने भाई अभी ना रिसेंटली मैंने सर्च करा था, तो नेट गूगल पे मुझे दिखा रहा था कि ये अपनी अराउंड 22 की निकाल देती है। नहीं, मैंने देखा था, मैंने 22 की, या शायद मैंने पेट्रोल में देख लिया, डीजल में देखा है, पता नहीं इतना तो, पर मैंने देखा था। चलो कोई नहीं, भाई चलाता है तो भाई को पता ही है, तो सबको गाड़ी का अपना पता था। तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी को। तो भाई ये आते हैं हेडलैम्प पे आगे। ये जो प्रोजेक्टर लाइट लग रही है, ये आपको कंपनी फिटेड थी या आपने खुद लगवाई थी? तो भाई कंपनी फिटेड है, देख रहे हो, मतलब सुजुकी वाले लगा के देते हैं इसको अंदर से, और इसके नीचे डीआरएस लगा के दे रखी है भाई। अभी डीआरएल भाई चला के दिखाएगा भाई। मतलब यार कंपनी डीआरएल भी प्रोवाइड कर रही है, मतलब यार भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है मुझे। अगर इस चीज को हम मॉडिफाइड कराए ना यार, और प्यारी लगनी है गाड़ी। मतलब इसमें हम इंडिकेटर नहीं होता इसमें मेरे ख्याल से, इंडिकेटर हम चलाते हैं तो इसमें चलते हैं, वो नई वाली ब्रेज है जो अभी अपकमिंग आई है ना, उसमें होता है। तो भाई आगे आते हैं, तो भाई यहाँ पे हमें ग्रिल दे देते हैं। तो भाई ये ग्रिल भाई आपने बाहर लगवाई है या अंदर से ही, मतलब कंपनी फिटेड है ये? भाई तो एक करोल बाग से लगवाई, ये कंपनी नहीं देती है। और ये नीचे तो लगी रही है, अपने नंबर प्लेट है, ये भी सेम है अपना। तो आगे आते हैं भाई। तो भाई यहाँ बात करते हैं भाई अलॉय। भाई ने यार मतलब यार मुझे सबसे बड़ी चीज ना, बढ़िया चीज इसमें से भी अलॉय लगे हैं। मतलब ये किस शेप में है, तो कहते हैं डायमंड कट में होते हैं, देखे हैं अलॉय लगा रखे हैं इसमें, बीच में ना ऑडी का साइन दे रखा है जैसे मैंने अभी देख रहा हूँ। तो भाई अंदर से ये रेड करा रखे हैं, अभी शू ब्रेक होते हैं ना, ये शू ब्रेक भाई ने रेड करा रखे हैं, जो कि गाड़ी से कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं रेड कलर में। तो भाई क्या मतलब, एक तो मैं सुना है कि ये डायमंड कट में भी आते हैं, और मतलब किस किस डिजाइन में आते हैं इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी यार इतना अलॉय व्हील के बारे में पता नहीं है। तो आप मुझे बताओ किस हिसाब से आपने, किस डिजाइन के हिसाब से आपने लगवाया ये? तो भाई डिजाइन का तो इतना पता नहीं, तो पर ये हाँ लगवा के लाया था भाई। कहाँ से लगवाया था आपने ये बता दो थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर ने जाके। तो भाई ये यूनिवर्सल टायर लगवाए थे भाई ने, जो कि आप जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो भाई आगे आते हैं अपने भाई, ये पोस्ट ये स्टिकर है जो आपका ये AK-47 है ना मेरे ख्याल से, किसमें गोली निकाल ली आपको भाई? मतलब इतनी बदमाशी नहीं यार, मतलब यार रोड पे चल रहे हो, पुलिस वालों की कोई तो इज्जत रखो यार। मतलब ये भी क्या शीशे काले, मतलब यार बढ़िया लग रही है गाड़ी तो, मैं बताऊं ये थोड़ी बहुत चलती रहती है गाड़ी में, हिट हो रखी है जहाँ भी। तो भाई ये तो मुझे चीज गाड़ी लगी, मुझे वो चीज़ बढ़िया लगती है जो यहाँ पे ना एक डिजाइन से बना होता है ना, वो उस पर ताश का इक्का बना होता है, वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है। और आगे आते हैं भाई हम अपने मिरर्स पे, मिरर पे आते हैं भाई, पूरी जेड ब्लैक करा रखी है गाड़ी। 100% है ना ये?
100% है बिल्कुल। मतलब रात को यार, चल रात की बात तो रही, अंदर दिखेगा नहीं, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता भाई। मतलब कैसे, मतलब आपको अंदर बैठे ये साइड का मिरर दिख जाता है क्या, पीछे देखना हो तो आपको? ना भाई, रात को नहीं दिखता। बिल्कुल भी नहीं दिखता, दिन में तो थोड़ा बहुत दिख जाता होगा, दिन में दिख जाता है, रात को नहीं दिखता। तो भाई आगे आते हैं, तो ये क्रोम दे रखे हैं भाई, ये कंपनी फिटेड है सब कुछ? नहीं भाई, ये बाहर से है। ये बाहर से लगवाए भाई ने, क्योंकि हाँ सही कॉम्बिनेशन में आ रहा है बढ़िया। तो सेम अलॉय है, मतलब यार मुझे ना अलॉय में कुछ ज्यादा बढ़िया। भाई को मैंने एक चीज रिकमेंड करी है कि भाई इसमें नीचे ना रेड लाइट लगवाना, जो कि गाड़ी से ना मैच करेगा बहुत ज्यादा। मतलब रोड प्रेजेंस बहुत जरूरी है गाड़ी की, जो कि आजकल के लोग दिखाते हैं ना, जैसे थार आई है, थार मेनली आपको रोड प्रेजेंस के लिए दिखेगी, तो वही चीज है भाई। पीछे आते हैं, भाई ने पीछे वाली शीशा भी ऐसा करा रखा है, यहाँ भी ये पीछे, यहाँ पे इंस्टा की आईडी दे रखी है, भाई को जाके फॉलो करो, sachin_rana144, जाके जल्दी से फॉलो करो। भाई ने और ज्यादा अच्छी फोटो डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा इसकी आईडी। अरे भाई पीछे आते हैं टेल लाइट पे, टेल लाइट आपकी नॉर्मल है, बस बीच में आपने ब्लैक करा रखा है मेरे ख्याल से, है ना? इससे बहुत अच्छी लुक लुक अच्छी देती है, रात को ज्यादा देती है मेरे ख्याल से, रात को बहुत अच्छी लुक देती है, बहुत प्यारी है। पीछे से नॉर्मल है सारा, तब यार ये देख लो यार, क्लासिक। मतलब ये सिर्फ एक चीज, इतनी चीज ही दिख रही है, ये रात को लाइट जलती है, अभी ब्रेक लगेंगे तो सारी चल जाएंगे नहीं ये, तो भाई ये बस ये बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई इसको कर दो बंद आप। भाई ये सुजुकी का साइन आपको मिल जाता है क्रोम में, ये भी चीज आपको क्रोम में मिल जाती है, विटारा बीजा लिखी हुई है, ये भी चीज क्रोम में है, ये मारुति सुजुकी लिखा ये क्रोम में है। भाई आगे नीचे आते हैं, तो ये चीज मतलब क्रोम नहीं है, ये कुछ अलग बॉडी है। सेंसर इसमें है ना आपके? चार सेंसर पीछे प्रोवाइडेड है, चार पीछे सेंसर प्रोवाइडेड हैं, गाड़ी अगर प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, पीछे एक वाइपर फिट होता है इसमें, ये चीज अच्छी है। पीछे आपकी ये लाइट है रेड कलर की, ठीक है, और नीचे एग्जॉस्ट है भाई का नॉर्मल है, भाई ने इसकी चीज करा नहीं रखा बिल्कुल भी। साइड में आते हैं तो भाई यहाँ अलॉय सेम है, और इसमें भाई ने अपनी स्नैप की, ये चीज ना भाई हमने अभी तक गाड़ी में नहीं लगाई, जो कि हम व्लॉगिंग करते हैं, हमने नहीं लगाई अपनी गाड़ी और बाइक में, इन भाई ने मतलब क्या क्या चाह रहे हो, मतलब यार हम घर बैठ जाएं, आप निकल जाओ बाहर, कोई नहीं भाई, सब किया अलग अलग मनचाहे इच्छा होती है। तो भाई ने आज जल्दी जाओ स्कैन स्कैन हो जाता है ना इसे, तो स्कैन मार लो भाई जल्दी से एसएस लेके, और भाई को फॉलो करो स्नैप पे भी, बढ़िया बढ़िया रोज हर घंटे में आपको स्नैप मिल जाएगी भाई की गाड़ी की, और यहाँ भी जेड है पूरा, और नॉर्मल आगे सब कुछ, मतलब गाड़ी का इतने से बाहर से करा नहीं रखा। तो मैंने कहा भाई यार गाड़ी लग रही है अंदर से भी बहुत ही बढ़िया, मतलब एम्बियंस है गाड़ी में, क्योंकि भाई ने यहाँ लाइट लगवा रखी है। मतलब इस लाइट के पीछे क्या राज है भाई, मैंने बहुतों का देखा है कि हाँ लाइट लगवा के घूमते, मैंने पिछली i20 भी बनाई है, उसमें भी देखा है, मैंने कहा भाई यार भाई ने कपिल ने लाइट लगवा रखी है, क्या है इस चीज का फायदा, मतलब वो क्या एडवांटेज है इस लाइट का अंदर गाड़ी में? भाई इसमें अच्छी लगती है रात में, जैसे गाड़ी में चलते हुए एक्सपीरियंस अच्छा लगता है इसमें, और इसके साथ ही कॉम्बिनेशन भी है। हाँ इसके साथ तो आपका ये रेड कॉम्बिनेशन भी है, और तो भाई वैसे ना ये चेंज हो जाती है लाइट सारी, जैसे भाई कपिल के में थी, तो मतलब इसके साथ ना आपको ना मतलब एम्बियंस का एंजॉयमेंट मिल जाता गाड़ी में, है ना? ये कहने का फर्क है। बस एक चीज रहेगी, बस गाड़ी में सनरूफ देते ना बहुत ही ज्यादा, मतलब सब चीज होता है गाड़ी में, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो आते हैं भैया पहले स्टीरियो से, तो स्टीरियो में नॉर्मल स्टीरियो आपका मतलब कितने इंचेस का होगा? ये मेरे ख्याल से फोन से भी छोटा है, ये कंपनी फिटेड है, तो भाई अपने बाहर से फिट करा सकते हैं, एसी का नीचे दे सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट भी है इसमें? ऑटो क्लाइमेट है ये रहा, तो भाई इसमें गाड़ी में ऑटो क्लाइमेट भी है। तो भाई अभी मैंने ऑन करा है, देख लो भाई फुल तेज हो चुका है ये, क्योंकि गाड़ी अंदर गर्मी में खड़ी है, तो यहीं से ऑफ करेंगे ऑटो क्लाइमेट को, तो ये ऑफ कर दिया हमने। तो भाई अभी आते हैं आगे, ऊपर स्टीरियो नॉर्मल है आपका, यहाँ पे देते हैं यूएसबी पॉइंट है यहाँ पे, और आपका ऑस्का पॉइंट है ये आपका, भाई ने अभी लाइटिंग कर रखा है जो कि अभी चल गई है, डिस्को लाइट हो गया देख रहे हो अभी। और ऊपर आते हैं एसी के चार वेंट दे देते हैं आगे, और पीछे दो नीचे नहीं प्रोवाइडेड है। और स्पीकर की बात करते हैं, ये भाई आगे दो स्पीकर है, पीछे दो स्पीकर है, ये दो आगे कंपोनेंट दे रखे हैं, पीछे भी है भाई इसमें कंपोनेंट? भाई पीछे अभी कंपोनेंट इसमें डलवाने रह गए, मतलब अभी भी है चीजें, मतलब रह रही है जो लगवानी है, कमी नहीं छोड़नी गाड़ी में बिल्कुल भी। तो भाई भाई जैसे कि भाई राणा है तो जाट है भाई अपना, तो महादेव जी लगा रखे हैं, हाथ जोड़ लो सारे आगे। और भाई यहाँ पे पावर विंडो दे देते हैं अपने, देख लो भाई जेड कितने काले हैं शीशे, और ये ऊपर चले गए अपने। तो वहां पे आपको मतलब क्या चाइल्ड लॉक दे रखा है एक तो विंडो का, और आपको एक ऑन गाड़ी लॉक अनलॉक का दे रखा है, और चारों पावर विंडो है सारी, और हॉर्न अपना भाई ने रूट के डलवाई रखे हैं, इसकी आवाज सुना दूं अभी,
मतलब आवाज इतनी यार इतनी तेज है इसकी आवाज, और स्टेयरिंग कंट्रोल दे रखे हैं सारे, ब्लूटूथ मोड है इसमें, इसके अंदर ही, और कॉल पिक करने का है और कैंसिल करने का, और अपना वॉल्यूम का दे रखा है, मोड दे रखा है और म्यूट करने का दे रखा है। यहाँ से आप क्या आते हैं, आपका वाइपर लेते हैं और वहां पे आपका डीपर या हेडलैम्प ऑन करनी हो तो उसके लिए। तो भाई एक फीचर मुझे भाई बता रहे थे कि ब्रीजा में होता है कि आगे अगर हमें अभी एम्बियंस चेंज करना है इसका मीटर का, तो वो भी चेंज होता है। तो भाई मैं करके दिखा दूं, तो भाई अभी रेड है, अभी देख रहे हो आप इसको लाइट व्हाइट में हो गया है, अभी ऑरेंज हो गया है, तो आगे जाएंगे आपका येलो और ये आपका ब्लू। तो ऐसे मतलब चेंज होते रहते हैं। हाँ भाई अच्छा है, मतलब गाड़ी में फीचर अच्छा है, और आपको पार्किंग लाइट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे बात करते हैं, इसमें व्हाइट लाइट लगा रखी है। तो भाई यहाँ पे आपका दे रखा है कि ये चीज जो i20 में भी थी भाई का, भाई ये चीज मुझे दे दो ना। अच्छा ये नहीं मिलेगा, हार्ड कैश है भाई, ये नहीं मिलेगा, इमरजेंसी के लिए रखा है। तो भाई यहाँ गूगल रख सकते हैं, जो कि भाई ने 500 का पत्ता रख रखा है। और यहाँ पे आपकी लाइट है, यहाँ से पुश बटन है, आपकी ऑफ हो जाती है, ऑन हो जाती है, यहाँ से भी हो जाती है वो करनी हो तो। और ये आपका क्या, ये स्पीकर है ब्लूटूथ बोलने के लिए, जैसे मैंने i20 में देखा था, तो ये वही चीज है। तो भाई ने कभी नोटिस नहीं करी अभी। और एक पीछे लाइट यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो और पीछे आते हैं तो भाई नॉर्मल है सीट, ये लेदर कंपनी फिटेड है मेरे ख्याल से ना, ये कंपनी फिटेड लेदर सीटेड है यहाँ पे। और पीछे भाई मतलब स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है, मतलब कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। गाइस देख रहा हूँ मैं पीछे भी बड़े आराम से बैठा हूँ, क्योंकि मेरी हाइट यार खुद 5'11" है, तो मैं खुद बड़े आराम से बैठा हूँ। तो समझ लो भाई बंदा बैठ सकता है, हाइट देख सकते हो आप भाई, बढ़िया दे ही रखी है इतनी, मतलब हम बैठ सकते हैं, बहुत फर्क है हाइट में, ऊपर टच नहीं होगा। तो भाई पीछे मतलब है कंफर्टेबल है। और तो भाई ने ये क्या डिकवा रखा, ये बताओ ये क्या है पीछे हिसाब किताब, इसको भाई मैं डिग्गी से दिखाऊंगा। भाई ने यही चीज करा रखी है जो कि मैं बता रहा था, इस गाड़ी को हम बैंड बाजा बारात में भी चला सकते हैं। तो भाई इसी के साथ आगे हैं, आगे आगे आपका डैशबोर्ड दे देते हैं नीचे ओपन करने का, एक यहाँ डैशबोर्ड दे रखा आपको ओपन करने का, मैंने अभी स्टिक रख रखे अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे दे देते हैं जो कि ओपन रहता है, ये ऊपर दो प्रोवाइडेड है, ये चीज अच्छी लगी मुझे। ये फ्रिज है, ये ठंडा अंदर ठंडा होता है, यार बहुत अच्छा है यार ये चीज मुझे, ये चीज अच्छी लगी। इसके अंदर फ्रिज है भाई, मतलब यार बढ़िया कमाल कर दिया मतलब, और बोतल वोतल रख लो। हाँ ये चीज सही है। और इसमें SRS के एयरबैग्स दे रखे, कितने प्रोवाइडेड है इसमें एयरबैग्स, दो मेरे, एक मेरे ख्याल से यहाँ पे है, एक स्टेयरिंग में आपका, यहाँ पे साइड में भी दे रखे हैं क्या? नहीं मतलब दो ही है, पीछे नहीं है, पीछे नहीं है इसमें, पीछे नहीं है। तो भाई अभी जाते हैं पीछे, और अभी ये दे रखे हैं ऊपर से आपका मिरर है, एक यहाँ पे मिरर है जैसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ आपको दिखेगा। और ये कि लाइट यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ आपको जैसे रात में बैठे हो तो आपको यहाँ से मतलब प्रोवाइडेड है लाइट। और अभी चलते हैं बाहर भाई, अभी गाड़ी चला के दिखाएंगे भाई, इसकी आवाज सुना दो गाड़ी की कैसी है। एक मिनट, नहीं भाई की नहीं, पर बैटरी खत्म हो गई फोन की। तो भाई FM से दिला के दिखाएगा भाई इसकी आवाज कितनी है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज है। पीछे जो इसमें भाई ने सिस्टम रख रखा है, वो क्या रख रखा है आपने, JBL का है ना सिस्टम? हाँ भाई, कितने वॉट का रखा है पीछे जो भाई? इसमें एक में बूफर है और एक में JBL है। एक में JBL है, एक में बूफर है। कितने इसका, कितने चैनल का एम्प रखा आपका? इस वाली सीट के नीचे मोनो एम्प है, और उसके अंदर चार चैनल वाला, चार चैनल वाला, मतलब बड़े बहुत ज्यादा आवाज देता है यार, मतलब नॉर्मल स्पीकर जो लोग लगाते हैं, और ये स्पीकर भाई मैं सही बता रहा हूँ, डिग्गी खोल के इसको पार्टी करनी हो ना भाई कर सकता है इसमें। तो भाई अभी आवाज सुनाते हैं इसकी, FM से चला रहे हैं। क्या मतलब क्या, ये तो भाई अभी FM में सुन रहे हैं, और अभी इसको हम गाने चला के सुनेंगे भाई की बैटरी खत्म होगी। इस चीज के लिए सॉरी कह रहा हूँ भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे फोन नहीं है दूसरा, तो मैं चलाता गाने भाई, बहुत ज्यादा मस्त लग रहे हैं। और अभी बाहर से सुनाता हूँ कितनी आवाज, भाई अभी चला के दिखाएगा गाने। तो भाई मतलब क्या ही आवाज ये, तो भाई कितनी बड़ी स्पीकर गे रखी है गाड़ी में। एक तो छोटा स्पीकर हो मान ही जाए JBL के, पर ये भाई बहुत ज्यादा बढ़िया, देखो JBL लिखा है अंदर, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको भाई, ये JBL के दोनों हैं भाई बहुत ज्यादा। ये पीछे और स्पीकर रख रखे हैं छोटे, और ये भाई ने हॉर्न रख रखा, ये सायरन रख रखा भाई, अभी सायरन लगवा के आएगा अंदर, शेड लगी रहे हैं। तो इसी के साथ भाई गाड़ी का होता है खत्म। और इसमें एक चीज मैंने अभी देखी है कि नीचे ना लाइट प्रोवाइडेड है, तो आपको ये चीज अच्छी है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप नीचे लाइट लगाओ, जो कि ओवरलोड प्रेजेंस है,
भाई लाइट इसमें लगवानी रह रही है बस, रेड लाइट बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। तो और तो सब कुछ गाड़ी में ठीक है भाई, अभी और इसके ना वैक्सिंग कराया गाड़ी की, पूरी शाइन मारेगी, ग्लॉस आएगी गाड़ी में। तो भाई आपसे गुजारिश है कि भाई वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब उसको बोल दो भाई, थोड़ा शेयर कर दे, चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, सब कुछ कर दो। अभी वीडियो को बहुत आगे पहुंचाओ, मतलब वीडियो को करते हैं एंड। और भाई की आईडी है sachin_rana144, जाके फॉलो करो इंस्टा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और भाई बहुत अच्छी वीडियो आते, अच्छी वीडियो आते भाई, सब ऐसे तो नहीं कभी गुंडा करने वाली हो भाई, शादी के कॉन्टेंट लेना भाई के पास, फोन मैसेज कर देना, बढ़िया शादी वादी भी जाती है। तो भाई इसी के साथ लास्ट में वीडियो को एंड करते हैं भाई, फॉलो करो जल्दी जाके जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, भाई का, नीरज भाई का, जल्दी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इस गुरु कस्टम के नाम से सारी चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में, भैया को मैसेज करो, जो भी आपको चीज चाहिए जो भी चीज करानी है गाड़ी में सब कुछ मिलेगा। और भाई भाई को फॉलो करो जाके इंस्टाग्राम पे, भाई की आईडी yes.sandy2310, चैनल का नाम है यस डेली ब्लॉग, सर जल्दी जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।